हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल सक्सेस मंच में। मैं यहाँ पर यूपीपीएससी यूपीएससी मेंस के लिए जीएस पेपर नंबर 4 एथिक्स करा रही हूँ, जो कि 2018 का मेंस होने वाला है। उसके लिए यहाँ पर मैं प्रॉपर तैयारी करवा रही हूँ और काफ़ी हद तक हमारा कोर्स कम्प्लीट हो चुका है और थोड़ा बहुत रह गया है, वो भी मैं कोशिश करके जल्दी से जल्दी कम्प्लीट कराऊँगी यहाँ पर। और जहाँ तक रही पीडीएफ अपलोड करने की बात, तो वो मैंने जो लास्ट 2 टॉपिक्स कराए थे, ऑब्जेक्टिविटी और डेडिकेशन, इन दोनों का मैंने सक्सेस मंच पेज और टेलीग्राम चैनल अपने दोनों पे लिंक डाल दिया है पीडीएफ का, तो आप वहाँ से उसे डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। आज हमारा नया टॉपिक चलेगा कमज़ोर वर्गों के प्रति समानुभूति। समानुभूति मतलब एम्पथी। सिंपथी और एम्पथी में बहुत फ़र्क होता है, सहानुभूति और समानुभूति। तो यहाँ पर इसका डिफरेंस भी देखेंगे क्या फ़र्क है, और ये देखेंगे कि समानुभूति हम कैसे यूज़ कर सकते हैं एज एन ऑफिसर। तो यहाँ पर हम इसके बारे में बात करेंगे। जो हर बार मैं बोलती हूँ, वो इस बार भी बोलूँगी कि जो सब्सक्राइबर, जो व्यूवर्स पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों को मेरी वीडियोज़ के बारे में नहीं पता है और जो लोग एथिक्स को बहुत ही ज़्यादा हार्ड पेपर एज समझते हैं, तो वो उससे लाभ उठा सके। और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यूपीपीएससी मेंस 2018 के लिए एथिक्स जीएस पेपर 4। सबसे आसान तरीके से एथिक्स यहाँ मैं बताऊंगी और समानुभूति इतने इजी वे में आपको समझाऊंगी कि आपको बिल्कुल भी कोई भी बुकिश नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एकदम आप मेंटली इतने प्रिपेयर हो जाएंगी, क्वेश्चन कहीं से भी बन के आ जाएगा, आप अपने हिसाब से उसका आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, ये आप देख सकते हैं टॉपिक, कमज़ोर वर्गों के प्रति समानुभूति हम करेंगे, फिर सहिष्णुता और करुणा दो चीज़ रह जाएगी, तो टॉलरेंस रह जाएगा और करुणा इसमें रह जाएगी, तो ये दोनों हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो ये पूरा टॉपिक अभिवृत्ति वाला यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो चलिए आगे देखते हैं, मैंने इसे सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है। हम यहाँ पढ़ेंगे समानुभूति क्या होती है, इसकी विशेषताएँ क्या है, समानुभूति और भावनात्मक नकल क्या होती है, इन दोनों में क्या रिलेशन है। ये नया टर्म है भावनात्मक नकल, इस टाइप की टर्मोलॉजी आपके एग्जाम में आएंगी, तो आप उस समय कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये है चीज़ क्या है, ये सब चीज़ें और इन पे लिखना क्या है, तो इसके बारे में मैं यहाँ पर डिटेल से आपसे बात करूँगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे समानुभूति और सहानुभूति में क्या डिफरेंस होता है। बिल्कुल ही सेम टर्म है समानुभूति और सहानुभूति, बट इसमें बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है, जिसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। इसका विकास कैसे होता है, कैसे हम समानुभूति का विकास कर सकते हैं, और कुछ शोध परिणामों के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे रिसर्चेस हुए हैं, सम रिसर्चेस फाइंडिंग रिलेटेड टू एम्पथी, तो एम्पथी से रिलेटेड जो भी रिसर्चेस हुए उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए, आज ये पूरा टॉपिक तो मैं नहीं करवा पाऊंगी, आज मैं 3 पॉइंट्स अभी कराऊंगी, जो 3 ऊपर के पॉइंट्स हैं, अर्थ, विशेषताएं और भावनात्मक नकल, और 3 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अर्थ की बात करते हैं यहाँ पर। तो समानुभूति जो होता है वो किसी भी व्यक्ति की वह गहन सांवेगिक समझ या क्षमता है, जिसमें दूसरे व्यक्ति की स्थिति और भावनाओं से खुद को जोड़कर उसकी गहनता को महसूस किया जा सकता है। समानुभूति जैसे कि हम जैसा महसूस कर रहे हैं वैसा ही सामने वाला भी महसूस करे, समान अनुभूति। अनुभूति माने सांवेगिक जो हमारे अंदर फीलिंग्स होती हैं वो महसूस करना, तो जैसा हम महसूस करें वैसा ही सामने वाला महसूस करे, तो उसे समानुभूति कहते हैं। और सहानुभूति बहुत ही डिफरेंस टर्म है इसके हिसाब से, तो हम उसके बारे में बात करेंगे उसका क्या मतलब होता है। अगर आप थ्योरेटिकल लैंग्वेज में देखें तो आप लिखेंगे किसी व्यक्ति में किसी अन्य व्यक्ति, अन्य प्राणी या काल्पनिक चरित्र, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, कि मन स्थितियों को सटीक रूप से समझने की क्षमता। कि अगर मैं इसमें एग्जांपल दूं कि अगर किसी बंदे का एक्सीडेंट हुआ सामने, और अगर वो हमारे परिवार वाला नहीं है, परिवार का रिलेटिव नहीं है, बट उसके दिल पे या उसके परिवार वालों के दिल पे उस समय क्या बीत रही, अगर सेम टू सेम वही हमारे दिल पे भी बीत रही है, सहानुभूति नहीं दिखाना कि उस पर दया दिखाओ, करुणा दिखाओ, वो चीज़ अलग है। जैसा वो मनोस्थिति में है वैसी ही मनोस्थिति में अगर हम भी हैं,
तो उसे समानुभूति कहा जाता है। सहानुभूति बिल्कुल अलग टर्म है यहाँ पर। इसी तरह अगर हम देखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जो फिल्म में कैरेक्टर्स आते हैं या कोई सीरियल होता है उसमें कैरेक्टर आते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जिनकी संवैगिक स्थिति जो होती है थोड़ी कमज़ोर होती है, तो बिल्कुल कैरेक्टर में घुस जाते हैं। अगर वो कैरेक्टर रो रहा है तो यहाँ भी ऑफ स्क्रीन जो सामने बैठ के देख रहा है वो इंसान भी रोने लगता है। तो इस स्थिति को कहते हैं समानुभूति, इसको सहानुभूति नहीं कहा जाएगा। इसको जैसा कि अगर वो रो रहा है उसके दिल में कोई भी चीज़ का मलाल है तो सामने वाला भी वही फीलिंग ऐड कर रहा है। जैसे कि यहाँ मैंने काल्पनिक चरित्र बोला है तो यहाँ फिल्म और सीरियल यहाँ पर ले सकते हैं। तो जैसा कि सामने वाले की स्थिति हो वैसा ही अगर हमारी भी स्थिति हो जाती है तो इसे कहा जाता है समानुभूति, सेम अनुभूति फील करना। किसी के बहुत अच्छे स्कोर आता है तो उसको जितनी खुशी होती है अगर सेम टू सेम उतनी ही खुशी हमें भी होती है तो इसे समानुभूति कहा जाएगा। और ये रिश्ता ज़्यादातर पेरेंट्स और बच्चे में देखा गया है, और रिश्तों में तो बहुत ही कम होता है, लेकिन माँ बच्चे और फादर और बच्चे में ये ज़्यादातर रिश्ता देखा गया है समानुभूति का। समानुभूति हर किसी के अंदर नहीं होती है, सहानुभूति हर किसी के अंदर होती है लेकिन समानुभूति हर किसी के अंदर नहीं होती है। इसमें व्यक्ति में स्वयं और पर का अंतर मिटने लगता है। इसमें सामने वाला जो व्यक्ति के अंदर जो भी पीड़ा है, जो भी ग्लानी है, वो हम अपने अंदर ही समझने लगते हैं, तो उसका और हमारा अंतर मिटने लगता है। वो कोई अन्य व्यक्ति है, वो हम समझना भूल जाते हैं, वो नहीं समझा जाता। इसमें लगता है कि वही जो फील कर रहा है वही हम भी फील कर रहे हैं, तो स्वयं और पर का अंतर यहाँ पर मिटने लगता है। तो आपको ये बहुत अच्छे से डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब आप इस डेफिनेशन को अपनी लैंग्वेज में बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर लिख सकते होंगे। अगर नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मैं फिर दोबारा इसे एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि सहानुभूति और समानुभूति में बहुत अंतर है और एग्ज़ाम में वही जो माइनर डिफरेंस होता है एग्जामिनर वही चेक करता है कि आपको कितना समझ में आया है। चलिए हम आगे बात करेंगे इसकी विशेषताओं पर। इसकी विशेषताएं होती हैं, इसमें दूसरे व्यक्तियों की भावनाएं जो होती हैं, स्थितियां होती हैं, ज़रूरतों को समझने पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इसकी एक विशेषता ये है, मीन्स अगर बच्चा कोई भूखा है तो माँ ही है जो उस स्थिति को समझ सकती है। बाकी लोग उससे सहानुभूति ज़रूर दिखा सकते हैं कि हाँ इस बच्चे को भूख लगी है, इसको खाना चाहिए, इस टाइप से सहानुभूति दिखाया जाता है। लेकिन समानुभूति एक माँ ही दिखा सकती है अपने बच्चे के लिए कि अगर उसे भूख लगी है तो अंदर से उसको भी वही फीलिंग आ रही होगी जो बच्चे को आ रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसमें नेक्स्ट विशेषता है, इस क्षमता से युक्त जो व्यक्ति होते हैं उनमें सांवेगिक बुद्धि तथा दूसरों के प्रति संवेदनशीलता का भाव पाया जाता है। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर समानुभूति है, वो किसी काल्पनिक चरित्र के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाती हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं, दूसरों के प्रति संवेदनशील होकर उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास। यहाँ पर दूसरों की जो भावनाएं होती हैं, दूसरों की जो स्थिति मनस्थितियाँ होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, उनके प्रति हम अगर कोई संवेदनशील है, समानुभूति अनुभव कर रहा है, तो वो एट ए टाइम उस समस्या को सुलझाने का यहाँ प्रयास भी करेगा। तो ये इसकी विशेषताओं में एक है। नेक्स्ट, सक्रिय श्रवण आवश्यक। अगर कोई समानुभूति महसूस करता है व्यक्ति, तो वो सामने वाले की अगर बात ही नहीं सुनेगा तो वो कैसे महसूस करेगा कोई चीज़। तो यहाँ पर इसमें एक मेन फैक्टर यही है कैरेक्टरिस्टिक्स में कि सक्रिय श्रवण इसमें आवश्यक होता है, ध्यान से सुनना ज़रूरी होता है सामने वाले की बात, ताकि वो जैसा फील कर रहा है वैसा भी हम भी फील कर पाएं। तो ये इसकी चार विशेषताओं के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर समानुभूति और भावनात्मक नकल क्या होती है। ये जो भावनात्मक नकल है ये ज़्यादातर बच्चों में देखा गया है, बड़े लोगों में ये कम ही पाया जाता है, बट जो ज़्यादा ही इमोशनली वीक होते हैं उनके अंदर ये भावनात्मक नकल पाया जाता है। अब भावनात्मक नकल होता क्या है, थ्योरेटिकल टर्म में पहले हम देखते हैं। आंतरिक भावनाओं की अनुपस्थिति में किसी भावना विषय से संबंधित अभिव्यक्ति है ठीक वैसे ही अभिव्यक्ति करना जैसे उस भावना की मनोदिशा में कोई भावुक व्यक्ति करता है। यहाँ पर विषय की जगह विशेष आएगा, विशेष भावना विशेष से संबंधित अभिव्यक्तियाँ यहाँ पर ठीक वैसे ही अभिव्यक्ति करना, वैसे ही मनोदशा में रहना जैसा कि सामने वाला व्यक्ति है। इसमें
इस टर्म से आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल देती हूँ। अगर एक मदर है और उसका एक बच्चा है, तो मदर किसी वजह से परेशान है या कुछ प्रॉब्लम है, अगर वो रोने लगती है, तो उसका अगर 2 साल का बच्चा है तो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसको कुछ भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मदर रो रही है तो वो बच्चा भी रोने लगेगा। तो यहाँ पर भावनात्मक नकल का भाव आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे के अंदर कोई भी भावना नहीं है, भावना अनुपस्थित है, बट उसने अपनी मदर को देखा तो उसने ठीक ही ऐसी भावनात्मक नकल की, सेम टू सेम वही नकल की जैसे उसकी मदर कर रही है। तो यही पर यहाँ पर समानुभूति और भावनात्मक नकल में कंपैरिजन हो जाता है। ऐसे ही मैं सीरियल का एग्जांपल लेना चाहूँगी या फिल्म का। फिल्म में कोई अगर ऐसा सीन आता है रोने वाला और सामने वाला पर्सन जो उसे देख रहा है वो भी रोने लगता है, तब सामने वाले पर्सन के साथ ऐसा कुछ भी घटना नहीं घटी है जिसके लिए उसे रोना पड़े, उसके अंदर आंतरिक जो भावनाएं है, जो ऐसी कोई भावना है वो अनुपस्थित है, बट वो सीरियल को देख के रो रहा है, तो यहाँ उसे भावनात्मक नकल का यहाँ पर भाव आएगा, वो भावनात्मक नकल कर रहा है। तो यहाँ पर समानुभूति के लिए अनिवार्य है कि दूसरों की भावनाओं को समझना और उनकी भावनाओं को महसूस करने की क्षमता हो, चाहे उसकी अभिव्यक्ति की जाए या नहीं। यहाँ पर भावनात्मक नकल ये होती है जैसे बच्चे ने अपनी माँ को देख के किया, बट समानुभूति में ये होता है कि आप उसको महसूस तो कर रहे हैं। अगर कोई बड़ा बच्चा है तो वो अपनी माँ का जो दर्द है वो महसूस तो कर सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो माँ रो रही है तो बच्चा भी रोएगा। तो यहाँ पर समानुभूति और भावनात्मक नकल में ये डिफरेंस होता है कि भावनात्मक नकल में सेम टू सेम वही एक्शन किया जाता है जो सामने वाले पर्सन द्वारा किया जा रहा है। अगर वो रो रहा है तो वो रोएगा, अगर वो हंस रहा है तो वो हंसेगा। समानुभूति में फीलिंग तो सेम होती है, बट एक्शन जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम भावनाएं व्यक्त की जाएं। जरूरी नहीं है कि अगर वो पर्सन रो रहा है या उसकी माँ रो रही है तो वो भी रोए ही, बट उसकी फीलिंग सेम होगी अगर उसके अंदर समानुभूति है तो। यहाँ पर दूसरी ओर अगर हम भावनात्मक नकल में की बात करें तो इसमें केवल केवल अभिव्यक्ति पाई जाती है, मनस्थिति को महसूस करने और समझने का स्तर नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने इसे कहा कि भावनात्मक नकल जो होती है मेनली बच्चों में देखी गई है। छोटा बच्चा अपनी मदर या फादर को रोते हुए देखता है तो वो भी रोने लगता है, बाकी वो उनकी स्थिति नहीं समझ सकता, उनकी मनस्थिति के बारे में नहीं जान सकता। तो आज हमने 3 टॉपिक पर बात की, अर्थ देखा हमने, समानुभूति का विशेषताएं देखी, और हमने समानुभूति और भावनात्मक नकल के बारे में बात की। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे समानुभूति और सहानुभूति में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस है, और समानुभूति का विकास कैसे होता है, और उसके बाद हम क्लास में लेंगे सम रिसर्चेज फाइंडिंग रिलेटेड टू एम्पटी। तो यहाँ पर हमारी वीडियो यही खत्म होती है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और शेयर लाइक सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, ये बार बार मुझे कहना ना पड़े आप लोगों से। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।